हेलो एवरीवन, आई एम रुचिका फ्रॉम सक्सेस सीरीज एजुकेशन। आज मैं आपके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और स्कीम डिस्कस करूंगी। इसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, जिसे AIM भी कहते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म। अटल इनोवेशन मिशन, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम रखा गया है आफ्टर द नेम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे अटल इनोवेशन मिशन की कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका टैगलाइन और लोगो देख लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन का लोगो है यहाँ पर, एंड द टैगलाइन इज एम टू इनोवेट। इससे ही हमें कुछ आइडिया भी मिल जाता है दैट दिस मिशन इज अबाउट इनोवेशन। लेट अस सी सम मोर डिटेल्स अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। द अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय द नीति आयोग टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। पूरे भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये एक सेटअप किया गया है बाय द नीति आयोग, जो कि भारत सरकार का थिंक टैंक है। अब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए स्टार्टअप्स का सिस्टम इनिशिएट किया गया है, और इसी के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन भी सेटअप किया गया है। इसके दो कोर फंक्शंस क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन थ्रू सेल्फ, जहां पर एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन होगा, और इनोवेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा, मेंटर किया जाएगा, ताकि वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। तो अगर कोई इंसान को इनोवेशन करता है, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करता है, उसे वो किस तरह से बिज़नेस फॉर्मेट में ला सकता है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है उस इनोवेशन के थ्रू, यही मिशन है अटल इनोवेशन मिशन का। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम इनोवेशन प्रमोशन भी करता है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म वेयर इनोवेटिव आइडियाज़ आर जनरेटेड। तो जो यूथ है हमारी कंट्री का, अपकमिंग लोग हैं, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ उनको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पर कि वो अपने दिमाग डिफरेंट वे में अप्लाई कर सकें और नई नई चीज़ों की इनोवेशन कर सकें। मेजर इनिशिएटिव्स विच हैव बीन टेकन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो अटल टिंकरिंग लैब सेटअप की गई थी। दीज वर सेटअप इन स्कूल्स ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड सेट डिवेलप हो सके बच्चों का। तो बच्चे अपनी जो नॉलेज है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है, उसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सके, इसके लिए अटल टिंकरिंग लैब सेटअप की गई। नेक्स्ट इनिशिएटिव है अटल इंक्यूबेशन सेंटर। बहुत सारे जो मेन प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप किए गए हैं, विच फॉस्टर क्लास स्टार्टअप्स एंड एड न्यू डायमेंशन टू द इंक्यूबेटर मॉडल। ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इंक्यूबेशन का क्या मतलब होता है? जब तक कोई चीज़ पूरी तरह डेवलप नहीं हो जाती, उसे एक ऐसा प्री डिटर्मिंड एटमॉस्फेयर देना जहाँ पर कि वो पल सके, वो डेवलप हो सके, ग्रो कर सके। तो स्टार्टअप्स को भी इस तरह का एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है इंक्यूबेशन सेंटर्स में, जहाँ पर कि वो धीरे 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 ग्रो हो सके, और फिर जब वो फुली डेवलप हो जाते हैं, तब उन्हें वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट इनिशिएटिव इज़ अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस टू फॉस्टर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड अलाइनिंग देम टू द नीड्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ मिनिस्ट्रीज। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के अंडर जो नई नई प्रोडक्ट्स की इनोवेशंस हुई हैं, उन्हें इंडिया के ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज और सेक्टर्स में अप्लाई किया जाता है, उन्हें यूज़ करने का मौका दिया जाता है। देन वी हैव अनदर इनिशिएटिव दैट इज़ मेंटर इंडिया कैंपेन। मेंटर इंडिया कैंपेन इज़ अ नेशनल मेंटर नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद द पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू सपोर्ट द इनिशिएटिव्स ऑफ द मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन में जितने भी अपकमिंग टैलेंट्स हैं, अपकमिंग इनोवेटर्स हैं, उन्हें मेंटर भी किया जाता है, और मेंटर किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स के बहुत बड़े बड़े लोगों द्वारा, जो कि पब्लिक सेक्टर से हो सकते हैं, कॉरपोरेट से हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। तो ये सब लोग आते हैं, दे कम फॉरवर्ड एज मेंटर्स एंड दे सपोर्ट ऑल द इनिशिएटिव्स अंडर द अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए
जितने भी इनोवेटर्स हैं, जितने भी अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं ये सब मेंटर्स। नेक्स्ट वी हैव अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स टू स्टिमुलेट कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशन एंड आइडियाज़ इन द अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। तो ये अलग अलग जो अनसर्व्ड या अंडरसर्व्ड एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के, वहाँ पर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स डेवलप किए जाते हैं ताकि वहाँ के लोग भी अपनी इनोवेशंस को आगे ला सकें। देन वी हैव अराइज। अराइज इज़ एन अपकमिंग इनिशिएटिव टू स्टिमुलेट इनोवेशन एंड रिसर्च इन MSME इंडस्ट्री। MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मिडल एंटरप्राइज। तो इन लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे लेवल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अराइज सेटअप किया गया है। ये एक नया इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन का। अब हम इन्हीं इनिशिएटिव्स को यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये कंसाइज फॉर्मेट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इस्टेब्लिश्ड इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स। आगे चलते हैं। नाउ लेट अस सी द अचीवमेंट्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। इट हैज़ शॉर्टलिस्टेड 102 इनक्यूबेटर्स कवरिंग 23 स्टेट्स एंड फ्रॉम दीज इनक्यूबेटर्स 47 आर ऑलरेडी फंडेड। AIC एंड EIC के अंडर मोर देन 600 स्टार्टअप्स हैव बीन इनक्यूबेटेड। क्लोज टू 100 वुमेन स्टार्टअप्स हैव बीन इनक्यूबेटेड। नेक्स्ट इज कंडक्टेड 900 इवेंट्स एंड मोर देन 350 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अटल इनोवेशन मिशन हैज़ प्रोवाइडेड अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपीज़ ऑफ सीड फंडिंग। सीड फंडिंग मीन्स बेसिक जो बिगिनर लेवल है वहाँ पे किसी स्टार्टअप को फंडिंग करना। इट हैज़ इस्टेब्लिश मोर देन 350 कोलेबोरेशन फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एन इको सिस्टम। सो इको सिस्टम एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर आसानी से स्टार्टअप डिवेलप हो सकता है, ग्रो हो सकता है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। आपने अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मेनी मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन। थैंक यू।